हेलो एवरीवन दिस इज प्रियंका सिन्हा एंड आई वेलकम यू ऑल इन कैरियर कैटलिस्ट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन पढ़ लिया एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया व्हाट इज रिप्रोडक्शन दैट वी ऑलरेडी नो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन में हम अपने जैसे अलाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं राइट right? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं द ऑर्गेनिज्म वैन क्रिएट द एग्जैक्ट और सिमिलर कॉपी ऑफ दम

सो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन टू वेज ये तो हमने पढ़ लिया कौन कौन से दो वे हैं दैट इज अ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल वन बाय वन ये दोनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बट इन दिस वीडियो वी आर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो वॉट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पर ए सिंगल पेरेंट इज सफिशंट टू प्रोड्यूस अ लाइक और जेरोक्स कॉपी ऑफ देम सेल्फ डेफिनेशन पढ़ते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पैरेंट हियर ओनली सिंगल पैरेंट इज रिक्वायर्ड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओनली सिंगल पैरेंट इज रिक्वायर्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल ऑफकोर्स वेन एवर दिस अक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस हैपन तो यहां पर हमें सेक्स सेल यानी कि गेमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती सो विदाउट यूजिंग सेक्स सेल दे आर एबल टू क्रिएट द एग्जैक्ट और सिमिलर कॉपी ऑफ देम सेल्फ तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूस अ न्यू ऑफ स्प्रिंग एक ही पैरेंट रिक्वायर्ड होता है

सो दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टाइम भी बहुत कम लगता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट होने में अ सेक्सुअल मेथड तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के लिए इट्स टेक्स वेरी लेस टाइम एंड इट मल्टीप्लाई एंड ग्रो रैपिडली आल्सो, दिस ऑल आर बेसिकली द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ा डेफिनेशन इज वॉट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गेमेट्स राइट ओके अब आगे बढ़ते वॉट आर टाइप्स ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने एथ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी फिसन और बडिंग के बारे में तो पढ़ा ही था अब यहां पर हम लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले तो फर्स्ट वन इज फिसन सेकेंड इज वॉट बडिंग थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन फ्टर दैट रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये सारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर वन बाई वन पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फिसन वॉट इज फिसन फिसन का मतलब क्या होता है स्प्लिटिंग ओके okay? हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजन के अंदर हमें पता है दैट इज बाइनरी एंड मल्टीपल फिसन तो अगर कोई सिंगल पेरेंट अपने आप को डिवाइड करके अपने जैसे अलाइक दो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है टू ऑफ्रिंग विल प्रोड्यूस यर देन दिस प्रोसेस इज डिज बाइनरी फिजन वेरी सिंपल मल्टीपल फिजन में क्या होता है दिंगल पेरेंट डिवाइड से हमें उनका एक्जैक्ट डेफिनेशन एंड वॉट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिसन इस पर कंसेंट्रेट करना है ओके सो इन सेवरल ऑर्गेनिज्म सेल इज फुली मेच्योर्ड जब कोई सेल पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा देन ऑफ कोर्स इट्स न्यूक्लियस विल डिवाइडेड सेल फर्स्ट एंड उसके बाद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाजम विल ऑकर हियर एंड इट विल एबल टू प्रोड्यूस टू न्यू ऑफ स्प्रिंग राइट ओके सो इट इज गिवेन योर ओनली इट डिवाइड्स इंटू टू दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज वॉट

टू इंडिविजुअल्स आर फॉर्मड यहां पर दो इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं द सिंगल न्यूक्लियस विल डिवाइड इट सेल्फ एंड उसके बाद वो डिवाइड होकर दो नए ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे फर्स्ट द न्यूक्लियस विल डिवाइड एंड देन द साइटोप्लाजम इंपॉर्टेंट हि ओके तो फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट अगर हम लोग दो आइडेंटिकल ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं दो इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं देन दिस प्रोसेस डिफाइन एज वॉट बाइनरी फिसन हियर आर फ्यू एग्जाम्पल जैसे ब्लू ग्रीन अलगे हो गए प्रोटोजोन्स हो गए ये सारे के साथ बाय द प्रोसेस ऑफ बाइंड्री फिशन अपने जैसे अलाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं राइट ओके सो एज यू कैन सी हियर दिस इज द गिफ्ट जहां पर आप देख सकते हो आ, ये अमीबा है ओके, दिस अमीबा इज एक्चुअली कैसे डिवाइड होंगे ये सबसे पहले इनका न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा एंड आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होंगे एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस टू न्यू ऑस्प्रिंग विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर ऑल्सो ओके सो फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम सिंगल पैरेंट दिस प्रोसेस ऑफ डिविजन इज डिफाइंड एज बाइनरी फिजन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल फिजन पर व्हाट इज मल्टीपल फिजन? मल्टीपल फिजन में हमने क्या पढ़ा सिंगल पेरेंट इज एबल टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दो नहीं उससे ज्यादा तो कैसे होता है ये इन मल्टीपल फिजन एक्चुअली व्हाट एट फर्स्ट जो न्यूक्लियस होते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन यहां पर कंडीशन फेवरेबल नहीं है द कंडीशन इज अनफेवरेबल सो ड्यूरिंग दैट अनफेवरेबल कंडीशन एट फर्स्ट इट कवर्स इट्सराउंडिंग सेल्फ मेमरस होते हैं बाई अम्बरिनट इज डिफाइंड अस्ट ओके अब यह सिस्ट जो है ये कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है सेल के बाहर आफ्टर दैट द न्यूक्लियस विल डिवाइड इट सेल्फ मल्टीपल टाइम्स नॉट सिंगल टाइम मल्टीपल टाइम इट विल डिवाइड इट सेल्फ एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पर न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड होके बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म कर पाते वेन द फेवरेबल कंडीशन विल कम देन दैट सिस्ट विल ब्रेक एंड न्यू मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल यू कैन सी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विच इज डिफाइंड एज वॉट मल्टीपल फिसन ओके तो यहां पर देखते हैं क्या लिखा है Many new individuals are formed here, not a single individual. Many new individuals are going to form here. Nucleus divides repeatedly. Ek bar divide nahi nucleus multiple times apne divide karte That's why here more than two number of offspring we can see. Okay.

इसके न्यूक्लियस जो हैं अभी वो डेवलप हो चुके हैं मैच्योर हो चुके हैं डिवाइड होने वाले हैं बट द कंडीशन वॉज अनफेवरेबल कंडीशन क्या था अनफेवरेबल सो ड्यूरिंग दैट कंडीशन यहाँ पर इनके बाहर एक कवरिंग फॉर्म हुई इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे सिस्ट अब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द न्यूक्लियस विल डिवाइड इट सेल्फ मल्टीपल टाइम्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये अपने आप को डिवाइड करेंगे एंड देन वेन द फेवरेबल कंडीशन विल कम द सिस्ट विल ब्रेक एंड द न्यू इंडिविजुअल्स मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यूर लेवल टू ऑब्जर्व सो दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज वॉट मल्टीपल फिजन चार्ट जिसमें कि हमें बाइनरी और मल्टीपल फिजन के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा देखो बाइनरी और मल्टीपल फिजन हमने पहले भी पढ़ा है राइट right? ओके okay? तो इन एग्जाम इन टेंटैंड एक्चुअली द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज या जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा उसमें से दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनेरी एंड मल्टीपल फिजन जो आपको एटलीस्ट टू टू थ्री पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं सबसे पहला तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट जो है वो अपने जैसे अलाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं दोनों में कर रहे हैं दिस इज नॉट द डिफरेंस बट यहां पर जो नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग है दैट इज हाउ मच इट इज टू यहां पर जो नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट इज ऑफ कोर्स मल्टीपल इन नंबर एक दो तीन नहीं मल्टीपल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं अब आगे बढ़ते हैं ये फेवरेबल कंडीशन में होता है ऑफ कोर्स व्हेन सेल विल रेडी टू डिवाइड मैच्योर हो जाएंगे तभी फेवरेबल कंडीशन आएगा एंड वो अपने आप को डिवाइड करके दो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म कर लेंगे बट यहां पर क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में जो सेल है वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो पाया न्यूक्लियस अपने आप को अल्टीमेटली डिवाइड नहीं कर पाया प्रॉपरली और वो एट लास्ट वर्ड हैपन वो सेल के अंदर ही अपने आप को मल्टीपल टाइम डिवाइड करता है और वेन द फेवरेबल कंडीशन विल कम देन ओनली विल एबल टू रिमूव फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी ओके या फिर एग्जीक्यूट फ्राम द पेरेंट्स बॉडी दैट्स वाई ये डिफ्रेंस है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है और ये अन फेवरेबल कंडीशन में होता है न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस यहाँ पर न्यूक्लियस सिर्फ एक ही बार डिवाइड हो रहा है यहां पर न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो रहा है देर इज नो प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द साइटोप्लाजम और आउटसाइड द सेल मेम्रेन राइट बट यहां पर प्रोटेक्टिव लेयर होती है विच इज डिफाइंड एज वॉट सिस्ट नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ले लेंगे अमीवा पैरामीशियम प्लाज्मोडियम ये मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल हो गए तो ये सारे एग्जाम्पल है जिसको आप यहां पर लिख सकते हो बट ऑफ कोर्स द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू लर्न अब आते हैं हम लोग बडिंग पर वट इज बडिंग बडिंग में क्या होता है जो पेरेंट्स होते हैं उनके बॉडी में एक बड़ लाइक स्ट्रक्चर अराइज़ होती है इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन जब वो बड़ मेच्योर हो जाएगी और अपना जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है इट विल एबल टू कंप्लीट बाय देयर ओन देन ऑफ कोर्स वो अपने पेरेंट बॉडी से क्या होगा डिटैच हो जाएगा एंड द न्यू इंडिविजुअल विल फॉर्म हियर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज डिफाइंड एज व्हाट? बड़िंग। बिकॉज यहां पर जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑस्प्रिंग है दैट इज ऑकर बिकॉज ऑफ द बड फॉर्मेशन दैट्स व्हाई? दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज व्हाट बडिंग देखते हैं यहाँ पर इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बड यहाँ पर पेरेंट बॉडी में आपको क्या होता है एक बड फॉर्मेशन होती है ग्रोज एक आउटग्रोथ होता है दैट आउटग्रोथ इज नेम्ड एज वट बड हियर अब वो बड जब मेच्योर हो जाएंगे तो वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट वो एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में आप देख सकते हो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बडिंग बहुत आसान सा प्रोसेस है हाइड्रा में हमने देखा है ये छोटे से ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बड़िंग या फिर सिंपल बर्ड से आप डिफाइन कर सकते हो जब ये अपने आप को डिवाइड करेंगे और उसके बाद मेच्योर हो जाएंगे तो ऑफकोर्स इट विल कट आउट फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी और एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा ये बर्ड पहले ग्रो होगा और उसके बाद अल्टीमेटली जब वो डेवलप हो जाएंगे उनके पास टेंटिकल्स आएंगे टेंटिकल्स और टाइनी न्यू हाइड्रा जो है जब वो डेवलप हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा द टेंटिकल्स एक्चुअली हेल्प इन लोगोमोसन एंड ऑफकोर्स इन लाइफ प्रोसेस जो उनके हैं उनको भी कम्प्लीट करने में हेल्प करता है ये सो वेन एवर टेंटिकल्स विल अराइज तो हाइड्रा बिकम मेच्योर एंड देन इट विल डिटैच फ्रम

द गिफ्ट जिसमें आप देख सकते हो किस तरह से ये बर्ड अराइज हो रही है आफ्टर अराइजिंग ऑफ बर्ड ये बर्ड जो है वो डेवलप करेगा एंड देन हियर टेंटिकल्स विल फॉर्म एंड आफ्टर दैट इट विल डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट बॉडी द ईस्ट ऑल्सो

Sports क्या होते हैं? तो सबसे पहले ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल और लुलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ये पॉइंट हमें याद करना है व्हाट इज स्पोर दिस इज जस्ट अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल और मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज इन्हें हम क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो कि एक सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं okay? ओके और उस सैक को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे स्पोरेंगिया से दिस इज वॉट स्पोरेंग्या अब क्या हो रहा है जब ये स्पोर मेच्योर होंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ही ये मेच्योर होंगे इट्स वेरी सिंपल थिंग सो अंडर फेवरेबल कंडीशन द स्पोर्स विल मेच्योर द स्पॉरेंगिया बस्ट अब क्या होगा जो स्पोरेंगिया है वो बस्ट होगा इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस और बस्ट होके स्पोर्स आर कैरिड आउट इन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन अब ये कैसे कैरिड आउट होंगे तो ऑफकोर्स द वैक्टर्स आर एयर हो सकते हैं विंड हो सकता है वाटर हो सकता है दीज आर द वैक्टर्स जिसके थ्रू ये कैरिड आउट होंगे और ऑफ कोर्स जब वो फेवरेबल ग्राउंड पर जाएंगे तो वहां पर उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा एंड दे बिकम अ न्यू इंडिविजुअल वहाँ पर वो एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे इट इज रिटन यर वैन स्पोर्स फॉल ऑन द सूटेबल ग्राउंड दे जर्मिनेट एंड देवल उसके बाद वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज डिफाइंड डायग्राम जहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है अंडर फेवरेबल कंडीशन ये स्पोर्ट जो है वो मेच्योर होंगे और उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ विंड एयर वाटर ये जहां जहां भी ग्राउंड में गिरेंगे वहां वहां पर भी एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे दिस इज द डायग्राम अब आगे बढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन ये सारे बहुत सिंपल हैं आपको बस इनके डेफिनेशन याद करने हैं दैट्स इट बहुत ज्यादा एग्जाम में इनसे कुछ पूछा नहीं जाता है बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपको ये पूछ सकते हैं वॉट इज स्पोर फॉर्मेशन देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन देयर ओके बट द मोस्ट ऑफ क्वेश्चन विच कम्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट पार्ट इज फ्रेगमेंटेशन देखो अभी हम लोग अगर बात करें तो हमारे सराउंडिंग में यूनि सेलुलर मल्टी सेलुलर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं यूनीसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरली पहले दो प्रोसेस यानी फिजन प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इफ द बॉडी डिजाइन इज सिंपल मतलब सेलुलर लेवल अगर बॉडी डिजाइन है जैसे हमने पढ़ा था मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म होते हैं तो अगर हम लोग सेलुलर लेवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें देन वहां पर सेल डिफ्रेंशिएशन नहीं होता राइट right? वहां पर हम लोग सेल डिफ्रेंशिएशन नहीं करते मीन्स टू से वी आर नॉट गोइंग टू असाइन अ पर्टिकुलर फंक्शन टू द सेल एक अकेला सेल ही सफिसियंट है सारे फंक्शंस को सारे टास्क को या सारे लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सो इन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पर हम लोग सेल डिफ्रेंसियन नहीं करते वहां पर द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज एक्चुअली यूज होता है कैसे द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल बॉडी डिजाइन वाले हैं मतलब सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं विच टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म यहां पर क्या होगा सबसे पहले चूंकि ये सिंपल बॉडी डिजाइन वाले हैं तो ऑफकोर्स जब ये अपने आप को ब्रेक करते हैं पीसेस में तो मान लो ब्रेक हो भी जाते हैं पीसेस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कोई भी सेल दूसरे सेल पर डिपेंडेंट नहीं होता भले ही वो जुड़ के साथ में रह रहे हैं बट दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर इफ दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर तो अगर मान लो सेल कट आउट भी हो जाते हैं या डिवाइड भी हो जाते हैं एक सेल बॉडी से अलग भी हो जाता है तो उनके बेसिक लाइफ प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली राइट ओके okay. सो so, अब यह क्या होने वाला है द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इन टू टू और मोर पीसेस यहां पर ये दो या दो से ज्यादा पीसेस फॉर्म करेंगे ऑन मेच्योरिंग ऑफकोर्स जब वो मेच्योर होंगे तब इच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोस और वो सेपरेटेड पार्ट जो है वो अपने आप में ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा एंड इट विल एबल टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म यू कैन सी हेयर द डायग्राम इसमें क्या हो रहा है जो स्पाइरो गाय है वो अपने आप को डिवाइड कर रहा है ये सेल जो है ये मच्योर हो गया बीच से कटआउट हो गया कोई बात नहीं दो पीसेस बने इट्स ओके ये दोनों पीसेस अपने आप में एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने के लिए सफिसियंट है सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन जहाँ पर कि बॉडी डेवलप और मेच्योर होने के बाद सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं सेल जो है वो कट आउट होते हैं एंड दो न्यू इंडिविजुअल यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं इट ऑकस इन मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज्म ओके बट हियर द बॉडी डिजाइन ऑफ मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज्म इज सेलुलर लेवल बॉडी डिजाइन यानी कि कोई भी सेल दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं कर रहा है फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ प्रोसेस अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर ये रीजनरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर दिए हैं सॉरी रीजनरेशन हमने पढ़ा नहीं अभी Uh, हमने भी फ्रेगमेंटेशन पढ़ा राइट ओके okay, अब रीजनरेशन पढ़ते हैं वट इज रीजनरेशन इट इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आप बॉडी पार्ट्स को या बॉडी को पीसेस में कट कर देते हो तो जितने भी पीसेस में वो कट हुए हैं दैट सिंगल पीस इज सफिशेंट टू डेवलप इट्स रिमेनिंग पोर्शन एंड वो एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल दैट दे हैव हमारे बॉडी में ऐसा नहीं होता सपोज हमारे किसी बॉडी पार्ट को अगर कट कर दिया जाए तो ऑफकोर्स वी आर नॉट एबल टू रीजनरेट दैट पार्ट बिकॉज वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ सेल जो कि इमिडिएटली अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करे और हमारे उस बॉडी पार्ट को कम्प्लीट कर दे बट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि रीजनरेशन करते हैं उनके पास ही कैपेसिटी होती है दे हैव दैट स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो कि अपने आप को कंटिन्यूसली और बहुत ही फास्टली मल्टीप्लाई कर पाते हैं एंड दे आर एबल टू कंप्लीट देयर बॉडी जो कटेड पार्ट है वो अपने रिमेनिंग पोर्शन को रीक्रिएट और रीजेनरेट कर सकते हैं दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज डिवाइन्ड एज व्हाट रीजनरेशन देखते हैं यहां पर दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट जो भी बॉडी पार्ट होगा उससे वो अपने आप को कंप्लीट बॉडी में कन्वर्ट कर लेगा रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाई स्पेश सेल विच इंक्रीजेज इन नंबर वेरी क्विकली ऑफकोर्स यहाँ पर ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अगर ये सेल नहीं होते तो दे आर नॉट एबल टू डिवाइड इमिडिएटली और अगर ये डिवाइड नहीं होते तो वो वापस से अपने बॉडी को कम्प्लीट नहीं कर पाते जो कटेड पार्ट है वो उनको फिर से रीजनरेट नहीं कर पाते सो so, ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं दिस सेल अंडरगो सम चेंजेस एंड फॉर्म्स वेरियस टाइप ऑफ सेल एंड टिश्यू अलग अलग तरह के सेल अलग अलग तरह की टिश्यू का फॉर्मेशन कर पाते हैं ये एंड बिकॉज ऑफ दैट ये एक नया ऑर्गेनिज्म बहुत ही इमीडिएट बहुत ही फास्ट रेट में क्रिएट कर पाते हैं आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ दिस टिश्यू फॉर्म्स द वेरियस ऑर्गेन अभी जैसे बॉडी पार्ट जो भी कट हुई है मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ वो पार्ट जो है वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा कैसे डेवलप होगा तो सबसे पहले सेल अपने आप को डिवाइड करेंगे देन द टिश्यू विल फॉर्म एंड अकॉर्डिंगली जो भी पार्ट कटेड हुआ है ऑफ कोर्स उसी के अकॉर्डिंगली जिस तरह का सेल टाइप उनको चाहिए होगा दैट विल बी क्रिएट देयर एंड दे विल एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कटेड बॉडी पार्ट हाइड्रा प्लानरिया ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन अपने आप को डेवलप और नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं आप देख सकते हो यहां पर बॉडी पार्ट कट हुई इट्स ओके दिस पार्ट विल बी डेवलप ही है यहां भी देख सकते हो अगर हम लोग इनको तीन पार्ट में कट कर रहे हैं मिडल से कट किया तो इट्स ओके अपर एंड लोअर पार्ट विल बी डेवलप अपर पार्ट कट किया तो लोअर एंड मिडिल पार्ट विल बी डेवलप एंड लोअर पार्ट को कट किया तो कोर्स जो अपर है और मिडिल पार्ट है वो डेवलप हो जाएगा सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन ऑफ इट्स बॉडी इज डिफाइंड एज वाट रीजनरेशन प्रोसेस बहुत आसान सा प्रोसेस है आप देख सकते हो यहाँ पर प्लानीरिया है ये अगर आपने इसको बिट से कट किया तो मिड पार्ट जो है वो अपर और लोअर बॉडी पार्ट को डेवलप कर सकता है राइट ओके इट्स अमेजिंग ना हमारे बॉडी में तो ऐसा कुछ नहीं होता नेक्स्ट इज वाट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब हम लोग आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर दैट इज व्हाट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो हम लोग ये दोनों पढ़ेंगे यहाँ पर पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है एट फर्स्ट अगर हम लोग प्लांट बॉडी को देखें तो हमें पता है कि प्लांट्स आल्सो डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट फ्यू प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं एंड uh, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जैसे कि प्लांट में हम लोग जनरली सीड्स को सेक्सुअल या फिर सेक्सुअल ऑर्गेन से या सेक्स ऑर्गन से डिफाइन करते हैं यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाय नॉन सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी जैसे कि उसके रूट हो गए या फिर उसके स्टेम हो गए अगर आप लीव ले लेते हो तो अगर आप इनको यूज करके उनमें से एक नए ऑर्गेनिजम को या नए प्लांट को क्रिएट कर सकते हो तो दिस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन मेथड ऑफ तो तो प्लांट बॉडी इज डिफाइंड एज वॉट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ओके सो so, यहाँ पर पढ़ते द एबिलिटी ऑफ अ प्लांट टू रिप्रोड्यूस विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हम लोग कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज नहीं करने वाले प्लांट बॉडी इज नॉट गोइंग टू यूज एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैथड विदाउट यूजिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने जैसे अलाइक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने वाले हैं चूंकि यहाँ पर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड यूज़ किया है तो असेक्सुअल बॉडी पार्ट्स लेने पड़ेंगे प्लांट के कौन से पार्ट्स हैं वो दैट इज लीव्स स्टेम्स एंड रूट्स ये सारे पार्ट जो हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपने जैसे अलाइक प्लांट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग स्टेम को कट कर देते हैं और फिर वो स्टेम को प्लांट कर देते हैं तो एक नए प्लांट का ग्रोथ हो जाता है समटाइम आपने जैसे ब्रायोफाइलम बहुत ही कॉमन uh, लीफ है जिसके कि एजेस पर समाइम रूट्स डेवलप होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं समटाइम आप उनको वहां से निकालो और उसके बाद प्लांट कर दो ऑब्वियसली एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा तो ये सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स राइट हम वहाँ से एक नए प्लांट को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सो so, इसके लिए इस मेथड को क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेरी सिंपल यूजुअली ऑकर्स इन हायर प्लांट जो कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं हमने पढ़ा है ऑलरेडी नाइंथ में सो so, एंजियोस्पर्म्स मतलब मोस्ट हाईएस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट जो होते हैं दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट लाइक देम बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अभी मैंने आपको पहले बताया कि वेजिटेटिव प्रपोगेशन भी दो वे में कर सकते हैं एक तो नेचुरली भी प्लांट कर लेते हैं और सेकेंड हम लोग आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं तो पहले नेचुरल मेथड पढ़ेंगे एंड देन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट ग्रो एंड डेवलप नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे ये अपने आप ही अपने जैसे अलाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाते हैं बट एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर दे आर नॉट गोइंग टू यूज एनी सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी ओके यानी रूट लीव स्टेम इन्हीं को यूज करके ये अपने जैसे अलाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे न्यू प्लांट्स मे इमर्ज फ्रॉम द रूट स्टेम एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट जैसे ट्यूबर ऑफ पोटैटो ले लो आपने देखा होगा पोटैटो में घर पे पड़ा होता है बहुत टाइम तक मॉइस्चर कंडीशन होंगे तो उसमें नॉचेस आते हैं छोटे छोटे जिनको हम लोग आइज ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं अगर आप उनको निकाल दो और सोइल में प्लांट करो अंडर फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर सॉइल वाटर प्रोवाइड करो तो ऑफकोर्स वहां से एक नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस तो ये जो नॉचेस आप देख पा रहे हो यहाँ पर सर्फिस ऑफ पोटैटो पे जिस आर दिस वर्ट आइज ऑफ द पोटैटो ईच चाई of the potato can give rise to a new potato plant. हम अगर उन्हें plant कर दें तो plantation के बाद आप वहाँ से एक नया plant develop कर सकते हो So this is the process. This capacity of potato help the farmers to grow potato more quickly. अब देखो अभी हम normal बात करें तो plant को जब तुम develop करते हो जैसे seeds लेते हो तो at first the process what the seeds will convert into seedling. ये जो सीड्स से कन्वर्जन सीडलिंग का प्रोसेस है बहुत लंबा टेन्यूर है ये यहाँ पर डॉर्मेंसी पीरियड भी आती है अब ये डॉर्मेंट पीरियड जो है इसको हमें रोकना है बिकॉज ये बहुत लंबा टाइम होता है ये सारे जो प्रोसेस है ये यहाँ पर कट आउट हो जाते हैं अगर आप इनको डायरेक्टली प्लांटेशन कर देते हो तो डायरेक्टली आपका प्लांट डेवलप हो जाता है ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है बहुत शॉर्ट पीरियड में आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो सो दिस इज द मेथड ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर राइजोम्स ऑफ जिंजर ले लो या फिर टर्मरिक ले लो इनमें भी ऐसा ही होता है ये जो राइजोम्स है ये मॉडिफाई हो जाते हैं एंड देन उस मॉडिफाइड राइजोम्स में से रूट्स डेवलप होते हैं और आप एक नया प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हो इजीली से भी इंपॉर्टेंट है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स तुम ग्रो कर सकते हो ठीक है क्योंकि यहां पर डॉर्मेंट पीरियड से सीड्सिंग में कन्वर्ट होने का पीरियड ये सारी चीजें कटआउट हो जाती है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का रेट जो है वो फास्ट हो जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लीव ऑफ ब्रायोफाइलम जो लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम है इनके पास भी नॉचेस होते हैं ये नॉचेस आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो बर्ड्स है ये बर्ड्स डेवलप हो चुके हैं अभी अब इस बर्ड्स को अगर हम लोग प्लांट करेंगे सॉइल में तो ऑब्जियसली यहाँ से आपको एक नया प्लांट मिल जाएगा तो सोचो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है इनका कितना ज्यादा फास्टन हो जाएगा अगर हम लोग ये सारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड यूज करते हैं तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है ये खुद भी अपने लिए कर लेते हैं और अपने जैसे लाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाते हैं ओके आर्टिफिशियल मेथड पर आते हैं जो जिसमें कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर भी वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी मतलब हम सीड्स यूज नहीं करने वाले यहाँ भी यहाँ भी बाय यूजिंग आइदर स्टेम और रूट और लीफ हम लोग क्या करेंगे नए प्लांट को डेवलप करेंगे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्रोसेस है ये करने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जब आप ये प्रोसेस यूज़ करते हो तो लंबे समय के बजाय आप बहुत कम टाइम में प्लांट्स को डेवलप कर सकते हो ग्रो कर सकते हो राइट okay so the raising of plant from its vegetative parts again here it is important we are not going to use any reproductive organ or part of plant body okay so using artificial method human uh just like we can complete by using human activities we complete all process the different method that we are actually use in artificial vegetative propagation are cutting layering grafting and टिशू कल्चर ऑल्सो तो हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ेंगे अबाउट कटिंग बहुत सिंपल सा प्रोसेस है मैंने अभी बताया आपको कि एक प्लांट लो उसके स्टेम को कट कर दो ये देखो ये ब्लेड से हमने कट किया स्टेम को और ये जो कटेड प्लांट जो स्टेम तुमने लिया है आप थोड़ा सा ध्यान दो वहाँ पर कि उनके बर्ड्स होने चाहिए जिससे कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हो जाए देखते हैं इट इज अ प्रोसेस इन विच अ पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट इज कट एंड इज रूटेड इन दॉल हम लोग कटेड पार्ट को सॉइल में रूट करेंगे द कट पार्ट ऑफ द स्टेम मस्ट है अगर वहां पर नोड्स और इंटर नोट होंगे तो ही प्लांट का डेवलपमेंट फास्ट होगा अदरवाइज मे बी आपने कट किया अगर उसमें नोट्स और इंटर नोट्स प्रेजेंट नहीं है तो व्हाट विल हैपन मे बी आप उसको प्लांट भी करो तब भी वो डेवलप ना हो और वो डाई हो जाए वो मर सकते हैं बट अगर आपने ये अश्योर किया है कि दिस कटेड पार्ट हैव सम नोट्स एंड इंटर नोट्स देन ऑब्जियसली इट विल ग्रो एंड डेवलप वेरी फास्ट और आप इमीडिएटली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या कर सकते हो एक नए प्लांट को डेवलप कर सकते हो बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कटिंग कटिंग मतलब काटना है और दूसरी जगह पर प्लांट कर देना है वेरी सिंपल मेथड बट देर शुड बी नोड्स एंड इंटर नोड्स तो ये अश्योर हो जाएगा कि यहां पर प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट होने वाला है ओके okay? सो द कटिंग गिव्स राइज द रूट्स पहले तो उसमें रूट्स आएंगे बिना रूट्स के तो दे विल नॉट एवल टू एब्सॉर्ब वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल राइट ओके सो रूट्स डेवलप होंगे एंड आफ्टर दैट वो ग्रो होकर एक नया प्लांट बन जाएगा वेरी सिंपल मैथड हम लोग ये मैथड यूज करते हैं रोज सुगर केन पाइन एप्पल बनाना इन सब के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस मैथड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच इज नेम्ड एज वॉट कटिंग नेक्स्ट इज लेयरिंग जराम से क्लियर है लेयरिंग क्या करना है यहाँ पर कोई पर्टिकुलर प्लांट है डेवलप्ड प्लांट है आप उसके जो स्टेम्स हैं या जो ब्रांचेस हैं वो इंटेंसली आप जमीन की तरफ झुकाइए और उसको इंटेंसली बरी कर दीजिए अंडर सोइल कोर्स जब आप इंटेंसली उसको बरी करोगे अंडर देन आफ्टर सम टाइम द रूट्स विल डेवलप देयर जो पार्ट अंडर द ग्राउंड अंडर द दॉल हमने बरी किया है वहां पर क्या डेवलप होगा रूट्स डेवलप होगा एंड वेन एवर द रूट्स इज डेवलप हियर ऑफ कोर्स नाउ यू कैन कट इट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट अब ये अपने आप में सफिसियंट है टू कंप्लीट देयर लाइफ प्रोसेस बिकॉज दे डेवलप देयर रूट्स राइट अब ये रूट्स डेवलप हो चुके हैं तो तो उनका जो बाकी सारा प्रोसेस है लाइक कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इट विल ऑकर वेरी इजीली तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग आप बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक नया प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हो ये देखो एकदम इमिडिएटली डेवलप्ड प्लांट आपको मिलेगा क्या किया हमने इंटेंसली ये स्टेम को हमने झुकाया और सीधे सीधे इसको मिट्टी के अंदर यानी सॉइल के अंदर डाल दिया वेरी सिंपल मेथड उसके बाद यहाँ पर रूट्स डेवलप होंगे और ये ग्रो हो जाएगा और इस तरह से तुम एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट यहाँ से डेवलप कर सकते हो इन लेयरिंग रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम ब्रांचेस बिफोर दे आर डिटेस्ट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी पेरेंट प्लांट बॉडी से डिटैच करने के पहले हम लोग अपने वेरी सिंपल प्रोसेस स्ट्रॉबेरी के लिए हम लोग ये प्रोसेस बहुत ज्यादा यूज करते हैं ओके स्ट्रॉबेरी में ये लर्निंग प्रोसेस बहुत ज्यादा यूज होता है जिससे हम इमीडिएटली बहुत जल्दी जल्दी नए प्लांट को बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो कर सकते हैं मोटे वो हमारा यही है यहां पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट करना ये क्या क्या होता है? कुछ नहीं हम क्या करेंगे? दो different, different plants लेंगे और दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को गैदर करेंगे ज्वाइन करेंगे और एक नए प्लांट को डेवलप करेंगे ठीक है विथ न्यू डिजायरिस्टिक दैट यू वॉन्ट वेरी सिंपल मेथड इन दिस स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट वी आर टेकिंग प्लांट वन विथ रूट एंड अदर विथ विदाउट रूट मतलब एक जो है वो प्लांट तुम्हारा सॉइल से अटैच्ड होगा और एक जो है ये अपर वाला पार्ट जो है ये हमने कहीं और से कट करके लाया है क्या करना है हमें ये देखो इस तरह से इस तरह से इसको कट करना है और यहाँ पर दूसरे प्लांट को जो तुम कट करके लाए हो यहाँ पर ज्वाइन करना अटैच करना है देखो इस तरह से हमने बाइंड करना है एंड आफ्टर सम टाइम दे विल ज्वाइन डेफिनेटली ओके ये ज्वाइन हो जाएंगे और अब एक नया प्लांट बन गया आफ्टर ज्वाइनिंग टू स्टेम्स जो लोअर पार्ट पार पार होती है जो स्वाइल के साथ अटैच होती होती है है इसके हम हम बोलते बोलते हैं हैं स्टॉक एंड जो अपर पार्ट इसको लोग स्काइन अभी stock, skyne, और यहां से जो प्लांट डेवलप होगी कोर्स यू हैड चूज टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ओके और उससे यहां पर जो एक नया प्लांट तुम ग्रो करने वाले हो इट विल हैव सम न्यू करेक्टरिस्टिक विच

बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्लांट को डेवलप कर सकते हैं जनरली ये टिश्यू कल्चर मेथड हमारे यहाँ पर यूज़ करते हैं टू डेवलप दैट काइंड ऑफ प्लांट जो कि बहुत ही ज़्यादा डेलीकेटेड होते हैं ओके okay? जिनका कि सीड से, से सेटलिंग का कन्वर्जन का प्रोसेस भी बहुत डेलीकेट होता है दे नीड अ परफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन तो ही वो अपने आप को डेवलप कर पाते हैं तो उसके लिए हम लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हैं या फिर नॉर्मल भी हम लोग ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है वट इज़ टिशू कल्चर इन दिस मेथड अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू नाम है टिश्यू कल्चर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू प्लांट से कलेक्ट करते हैं और उसको अंडर सूटेबल मीडियम एक प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर हम लोग कुछ हॉर्मोन्स भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल जिसको हमने वहाँ प्लांट से कट किया है उसको हम बहुत जल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकें सो एक सूटेबल मीडियम एक सूटेबल कंडीशन एक सूटेबल हारमोन्स वी आर गिविंग यर इंटेंसली वी आर प्रोवाइडिंग दिज ऑल थिंग सो दैट द ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाए फास्ट हो जाए दैट्स इट ओके सो वॉट वी आर डूइंग यर स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू इज कट from the plant and kept in a container with nutrient medium. I am talking about this nutrient medium only. ये nutrient medium जो है वो hormones carry करता है जो कि growth rate को stimulate या फिर fasten कर सकते हैं. Okay. Now the nutrient medium under proper condition हमने रख दिया. Of course the climatic condition also we need to provide. Then only जो roots का जो plants का development है या जो cell और group of tea, cell का development है वो थोड़ा अच्छे से हो पाएगा, थोड़ा fast हो पाएगा, right? Okay. तो we are taking a

The tissue grows out into an un...

are put into अनदर मीडियम विच कंटेन हॉर्मोन्स ये क्या कंटेन कर रहे हैं हॉर्मोन्स कंटेन कर रहे हैं जैसे ही तुम हॉर्मोन्स प्रोवाइड करोगे ऑक्सीजन हार्मोन्स जनरली यूज हेयर इससे उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा एंड बहुत ही जल्दी वो एक छोटे से प्लांटलेट्स में डेवलप हो जाएंगे सी इट इज रिटन हेयर दीज प्लांटलेट्स देन प्लेस्ड इन टू द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इन टू अ मेच्योर प्लांट अब ये प्लान्टट्स जो हैं जब तुम इसको सॉइल में प्लांट करोगे देन ऑफ बहुत ही जल्दी वो एक मेच्योर प्लांट को डेवलप कर पाएंगे तुमने किया क्या यहाँ पर जो सेल था जो तुमने प्लांट से कलेक्ट किया था पैरेंट प्लांट से कलेक्ट किया था तुमने उस सेल को इन्हांस करने के लिए उसके ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर हॉर्मोन्स पुट किए यहाँ पर कुछ सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड किए सूटेबल लिक्विड प्रोवाइड किया सो दैट कि इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाए द तो कैलस विल प्रिपेयर फिर उसको अलग मीडियम में रखा जिससे कि उनका ग्रोथ और फास्टन हो गया और फिर जो प्लेटलेट्स तुमको मिला उस पर्टिकुलर प्लांटलेट्स को तुमने प्लेस कर दिया कहां पर सॉइल में अब ये डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं टिश्यू कल्चर बिकॉज हम लोग यहाँ पर टिशू का ही तो कल्चरिंग कर रहे हैं दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वट टिश्यू कल्चर इट हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट यहाँ पर प्लांट को बहुत जल्दी तुम डेवलप कर सकते हो एक बोलते ना स्टिमुलेट कर देना ग्रोथ को फास्टन कर देना बाई प्रोवाइडिंग हॉर्मोन्स अभी आज के डेट में तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें कि हम लोग बाय पुटिंग हॉर्मोन्स ऑनली वी आर एक्चुअली डेवलपिंग दैट और प्लांट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स वट आर यू आइटिंग सो ये सारे में हम लोग टिश्यू कल्चर तकनीक ही यूज़ करते हैं जिससे

फार्मर्स जो हैं अगर टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स बाय यूजिंग दिस टेक्निक ये पूरा जो ड्यूरेशन है डॉर्मेंसी वाला वो आपका कटआउट हो जाता है एंड आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल वे में नए प्लांट को ग्रोथ और डेवलप कर सकते हो ओके एंड हाँ यहाँ पर एक और चीज़ एश्योर्ड है कि जो प्लांट डेवलप होने वाला है इट विल बी मेच्योर्ड एंड इट विल बी यू नो हेल्दी वाई हेल्दी बिकॉज तुमने यहाँ पर हॉर्मोन्स पुट करके इनके ग्रोथ को डेवलप इनको इनके ग्रोथ को इन्हांस किया है बहुत ही प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है एक्स्ट्रा केयर की है आपने इनिशियली तो डेवलपमेंट तो फास्ट होगा ही एंड ये साथ में हेल्दी भी होंगे सो दिस इज टिश्यू कल्चर विच इज़ द एंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो जहाँ पर हमने आज पढ़ा अबाउट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है आप देख पा रहे हो गए इसमें दिस इज द टिश्यू कल्चर मेथड यहाँ पर हमने यूज़ किया है सबसे पहले क्या किया हमने जो सैंपल हैं प्लांट में से ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यू को कलेक्ट किया उसको हमने अंडर एक सूटेबल कंडीशन रख दिया ये टिश्यू सैंपल को हमने अगर ग्रोथ मीडियम में रखा है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन तो है वो तो दे ही रहे हैं साथ में न्यूट्रिएंट्स है हॉर्मोन्स हैं ताकि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम लोग फास्ट एंड कर सकें अब उसके बाद ये जो सैंपल्स हैं प्लांटलेट्स जो आपको मिले हैं ये देखो प्लांटलेट्स डेवलप हुए इस प्लांटलेट्स को क्या करना है आपको सॉइल में पुट कर देना है प्लांट्स बन जाएंगे वेरी सिंपल मैथड बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल मैथड फॉर फार्मर एंड फॉर फास्टन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट ऑफ प्लांट बॉडी अब एक और चीज़ है हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए वट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ तो लिया हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है वो भी पढ़ लेते हैं सबसे पहले वट आर द एडवांटेज एडवांटेज की अगर बात करें तो सिंगल पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है किसी का झंझट नहीं है ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड दैट इज सफिसियंट टू प्रोड्यूस द द्रिंग जस्ट सिमिलर टू दैम सेल्फ है ना तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कोई दूसरा चाहिए ही नहीं इनको तो बहुत आसानी से ये अपने जैसे अलाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं किसी से कोई मतलब नहीं है सिंपल सा तरीका है एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन टेक वेरी लेस टाइम तो बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड यहाँ पर एक बहुत छोटे टाइम में हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्रिएट कर सकते हैं इन असेक् रिप्रोडक्शन मैथड क्यों क्योंकि जो इनका रिप्रोडक्शन रेट है दैट इज़ वेरी वेरी फास्ट एज टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आर ट्स ऑलमोस्ट क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन तो बहुत कम होती है ऑलमोस्ट निग्लेजिबल वेरिएशन होती है तो आपको एक ही स्पेसीज का एग्जिस्टेंस बहुत लंबे टाइम तक दिखेगा दिस इज द रीजन ओनली जिसके कारण बैक्टीरिया जो इनिशियल स्टेज में था जब हम लोग बोलते हैं लाइफ एग्जिस्ट हो रही थी तब भी बैक्टीरिया था एंड आज के डेट में भी वी आर एबल टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दर इज ऑलमोस्ट निग्लेजिबल वेरिएशन इन देयर बॉडी डिजाइन दैट्स वाई राइट ओके अब डिसएडवांटेज की बात करते एज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो यहाँ पर जो वेरिएशन के चांसेस है वो ऑलमोस्ट नहीं होते हैं और वेरिएशन के चांसेस नहीं होने के कारण इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता है क्योंकि जब हम वेरिएशन करते हैं ना तो क्या करते हैं हम अपने आप को और ज्यादा परफेक्ट बनाते हैं सो so दैट कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बहुत ही ईजी वे में सर्वाइव कर सके सराउंडिंग में राइट तो वो इनके पास नहीं होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नॉट गिव राइस टू बायोडाइवर्सिटी हम सेक्सुअल क्शन के कारण क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो इवोल्यूशन होती है जिसके कारण नए नए स्पेसीज देखने मिलते हैं आपको बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेरिएशन इज वेरी लेस एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली बायोडाइवर्सिटी यानी डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज का एग्जिस्टेंस जो सराउंडिंग में होता है इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर केस दैट मच अगर हम सेक्सुअल से कंपेयर करें तो सो दिस मैच ओनली फॉर दिस वीडियो जिसमें हमने एडवांटेज और डिसएडवाटेज पढ़ा आई होप इट इज क्लियर टू यू इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्सुअल इप्रोडक्शन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब बाय